Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जम्मू कश्मीर का जहां डोडा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच बुधवार को हुई ताजा मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 3 दिनों में घाटी में यह चौथा हमला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने शाम करीब 7:41 पर गंडोह इलाके के गांव में तैनात तलाशी दल पर गोलीबारी की, जिससे सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी की खबर भलेसा के कोटा टॉप इलाके से मिली। आखिरी रिपोर्ट मिलने तक दोनों पक्षों के बीच भीषण फायरिंग जारी थी। अधिकारियों ने बताया कि घेराबंदी को मजबूत करने के लिए इलाके में अतिरिक्त बल भेजा गया है। घायल पुलिसकर्मी की पहचान कांस्टेबल फरीद अहमद के रूप में हुई है, जो गंडोह में विशेष अभियान समूह यानी SOG में तैनात थे। ये ताजा मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब आतंकवादियों ने इलाके में एक चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसमें 5 जवान समेत 6 अधिकारी जख्मी हो गए। मंगलवार देर रात भद्रवाह पठानकोट मार्ग पर चटरगल्ला के ऊपरी इलाकों में एक संयुक्त चेक पोस्ट पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान और एक विशेष पुलिस अधिकारी घायल हो गए। हमले के बाद हाईवे पर यातायात की आवाजाही रोक दी गई, क्योंकि आतंकवादियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हाल ही में डोडा जिले के गंडोह भलेसा कस्बे में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ वाली जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया है। इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं, जिनके भद्रवाह थाथरी और गंडोह इलाकों में घूमने का संदेह है। पुलिस ने आतंकवादियों के बारे में जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया है।